कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट में दायर याचिका में गोविंद सिंह का आरोप है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने घोषणा पत्र में अपने आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी नहीं दी है। हाईकोर्ट में दायर की गई चुनाव याचिका में कहा गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा चुनाव में नियमों का उल्लंघन किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनाव की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया है। सिंधिया की ओर से राज्यसभा चुनाव के लिए दायर किए गए नामांकन में आपराधिक मामले छुपाए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि साल 2018 में भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। इस FIR को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सार्वजनिक रूप से स्वीकारा भी था, लेकिन अब वह कांग्रेस में नहीं है और BJP से राज्यसभा के सांसद चुने गए हैं। लेकिन अपने नामांकन में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस मामले को छुपाया है जो नियमों का उल्लंघन है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का राज्यसभा चुनाव शून्य घोषित करने की कांग्रेस ने मांग की है। फिलहाल हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर हो चुकी है। इस मामले पर अब जल्द ही सुनवाई होगी। बता दें आपको कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और फिर BJP में शामिल हो गए, जिस वजह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार गिर गई और एक बार फिर से BJP की सरकार यानी कि शिवराज की सरकार सत्ता में वापसी की है। SPN9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।